करीब 2500 करोड़ की लागत से बनने वाले जमरानी बांध के लिहाज से होने वाले विस्थापन का काम देर से हो रहा है। सांसद अजय भट्ट के मुताबिक जिस तेजी से विस्थापन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और ये सच है कि आधुनिक संसाधन होते हुए भी बिना विस्थापन के बांध का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, जो चिंता का विषय है। सांसद अजय भट्ट के मुताबिक एडीबी की टीम को भी जमरानी आना था लेकिन कोविड की वजह से टीम नहीं आ पाई, लेकिन बांध के लिहाज से सारी स्वीकृति मिल चुकी है। आर्थिक हालातों के लिहाज से सांसद अजय भट्ट ने पीएम मोदी और जल संसाधन मंत्री को पत्र भी लिखा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बांध का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। उसमें एडीबी की जो टीम ने आना था वो आने में विलम्ब हो गया है क्योंकि बाहर से वो नहीं आ पा रहे हैं कोविड की वजह से, इसलिए थोड़ा दिक्कत आई है। प्रोग्रेस में है, सारी तो स्वीकृतियाँ मिल गई हमको, जो थोड़ी आर्थिक तौर से मिलनी थी उसके दूसरे रिसोर्सेज पर भी हमने विचार किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस मामले में अलग से पत्र भी लिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, हल्द्वानी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने की मुहिम के बाद अब सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों की भी सुध ली है। कैबिनेट ने बीपीएल व अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को 100 रुपए में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस योजना का लाभ 100 वर्ग मीटर से कम भूमि वाले परिवारों को भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार की इस मुहिम पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बंद करें, जुमले देना बंद करें। ये दिल्ली से और मोदी जी से उन्होंने सीख लिया कि जुमला दे दो, लोगों को मूर्ख बनाओ। 100 रुपये का पानी का कनेक्शन तब देना जब पूरे राज्य के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर दो। पहले पानी करो तब तो लाइन डालो, लाइन पहले डाल दी, पानी अब खोज रहे हैं पर पानी मिल लेगा। उधम सिंह नगर जिले के सभी सप्लाई इंस्पेक्टर पिछले 11 दिनों से धरने पे हैं, जिसमें अब उधम सिंह नगर जनपद के राशन डीलरों सहित अन्य जिलों के पूर्ति निरीक्षकों ने भी कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। रुद्रपुर में धरने पे बैठे सप्लाई इंस्पेक्टरों की मांग है कि जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य को पद से हटाया जाए, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप और कर्मचारियों के उत्पीड़न का आरोप लगाए। इस आंदोलन में 12 जिलों के पूर्ति निरीक्षकों ने भी अपना समर्थन देते हुए कार्य बहिष्कार किया है। इसके अलावा सस्ते गल्ले के संचालकों द्वारा पूर्ति निरीक्षकों को अपना समर्थन देते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम से डीएसओ श्याम आर्य को पद से हटाने की मांग की है। इस दौरान कर्मचारियों ने डीएसओ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीएसओ को जब तक नहीं हटाया जाता तब तक जिले के पूर्ति निरीक्षक हड़ताल पर रहेंगे और प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जिला पूर्ति अधिकारी पर जल्द कार्यवाही नहीं होती तो अन्य संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। आज ही हमारे प्रदर्शन का 10वां दिन है। हमारी एक सूत्री मांग है कि डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर श्री श्याम आर्य जी को यहाँ से हटा दिया जाए, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग कार्य करने को तैयार नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी अनियमितताएँ हैं जिससे हमारे कर्मचारी और सभी हमारा स्टाफ है उसका शोषण हो रहा है, जिस कारण से हम लोग काम करने में अपने आप को बधौवा महसूस कर रहे हैं और साथ ही हमारी नौकरी जाने का भी लगातार खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इसके चलते हम लोग अनशन पे बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा देहरादून शहर में इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और पर्यावरण की दृष्टि से यह उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने बताया कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 30 बसें चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार तक इन इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह भी प्रयास है कि वर्ष 2030 में पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों की ओर ले जाया जाए। देखिए, एक बार पहले भी इसका टेस्टिंग किया गया था मसूरी के लिए और बहुत अच्छा पिकअप है। बल्कि जब मसूरी से लौटते वक्त मैं समझता हूँ कि अगर मैं मुझे सही ध्यान है तो 5 किलोवाट के करीब वो चार्ज भी हो गई थी बैटरी स्वयं। तो एक पहाड़ों में एक प्रश्न उठाते थे लोग कि पिकअप कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन पहाड़ों के लिए भी ये बस सूटेबल है। अभी इसके चार्जिंग सेंटर की ज़रूरत होगी,
तो भारत सरकार का प्रयास है कि हम 2030 तक पूरे देश को इलेक्ट्रिक बसों पर लाएं। रुड़की के खानपुर रेंज के अंतर्गत कुड़कावाला गांव के जंगलों में चार सांबरों के शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। आखिर सवाल उठता है कि एक ही स्थान पर चार चार सांबरों की मौत कैसे हो सकती है। इस घटना से वन विभाग के कर्मचारियों पर सवालिया निशान खड़ा होना तय है। जिस प्रकार से पहली नज़र में विभागीय अधिकारी करंट लगने को लेकर भी सांबरों की मौत होने का दावा कर रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये भी है, अगर पेड़ों की हरी शाखाएं तारों से टकरा रही हैं तो उन्हें वक्त रहते क्यों नहीं काटा गया, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, स्टाफ रूटीन व्यस्त करता है, क्षेत्रों में जाता है और हो सकता है 11,000 वोल्ट की लाइन भी जा रही है ऊपर से और पेड़ों की शाखाएं भी कारों को टच कर रही हैं, दिख रहा है जो मौके पर जो है, तो उससे भी हो सकता है, क्यों हरा पेड़ है तो तार से टकरा कर भी करंट आ सकता है। वहीं कुछ लोगों का दबी जुबान में यह भी कहना है कि कुछ किसान अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बिजली की तार लगा देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। पिछले दिनों कई किसानों पर वन विभाग ने जुर्माना भी किया जिससे बचने के लिए अब खेतों से दूर जंगलों में ही बिजली की तार लगा देते हैं ताकि किसानों पर जुर्माना भी ना हो और फसल भी बच जाए। फिलहाल सांबरों के शव के पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर एक साथ चार सांबर कैसे मर गए। केंद्र सरकार के द्वारा आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति देने के विरोध में हरिद्वार में IMA से जुड़े डॉक्टरों ने एक दिवसीय हड़ताल रखी। सभी डॉक्टरों ने अपने निजी अस्पतालों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक OPD ठप रखी। विरोध है सरकार के तरीके का, सरकार जो मिसगाइड कर रही है पब्लिक को भी और हमारे आयुष के बंधुओं को भी, उसका विरोध। सेंट्रल IMA डिसाइड करती है, सेंट्रल IMA के ऑफिस बीरस डिसाइड करते हैं, जैसा उनका निर्णय होगा उसके अनुपालन किया जाए। हरिद्वार के एक निजी होटल में बैठक के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन देना उचित नहीं है। सरकार का जो थोपा गया निर्णय कि जिसमें एलोपैथी के इतर जो और अन्य पद्धतियां हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कराने के लिए सर्जरी की परमिशन देने के लिए बिना किसी ट्रेनिंग के, प्रॉपर ट्रेनिंग के उन्होंने उसको जो परमिशन दी है, तो अगर वो एलोपैथी आयुर्वेद दोनों को मिक्स करना चाह रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग प्रदेश आज हड़ताल पे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 27-28 तारीख में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आगे लड़ाई लड़ने के लिए निर्णय लिया जाएगा। बिना किसी ट्रेनिंग एक डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा जबरदस्ती थोपे गए इस निर्णय को वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे और आगामी 28 दिसंबर को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसके विरोध में जो भी निर्णय लेगी उसका पुरजोर समर्थन करेंगे। विश्व धरोहर नंदा देवी नेशनल पार्क में दुर्लभ कस्तूरी मृगों का अस्तित्व खतरे में है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित होने के बावजूद भी तस्करों का शिकार लगातार बन रहा है। कस्तूरी मृग पार्क प्रशासन की कड़ी चौकसी और गश्त के बाद भी नंदा देवी नेशनल पार्क दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृगों की कब्रगाह बन रहा है, जो कि एक बेहद चिंता का विषय है। बीते रविवार को पार्क के लाताखर बीट में पकड़े गए नेपाली वन्य जीव तस्करों की निशानदेही पर एक बार फिर सक्रिय हुई 15 सदस्यीय पार्क की गश्ती टीम ने लाताखर्क से आगे पार्क बफर जोन में छापा मारकर फिर 5 वन्य जीव तस्करों को दबोचा। सभी पकड़े गए वन्य जीव तस्कर नेपाली मूल के हैं। हाँ, सभी लोग नेपाली निवासी हैं, हालांकि कुछ लोग जो है यहाँ जोशीमठ में भी रहते हैं और कुछ लोग जो है गोपेश्वर में है और कुछ कर्णप्रयाग में है। इस प्रकार से ये लोग जगह जगह बटे हुए हैं, लेकिन सब नेपाली मूल के हैं। वन्य जीव तस्करों से इस बार 2 दुर्लभ कस्तूरी मृग खाल, 2 पैर के साथ करीब 50 फंदे बरामद हुए। एक हफ्ते में नंदा देवी नेशनल पार्क के बफर जोन में 10 वन्य जीव तस्कर पकड़े जा चुके हैं। जहाँ तक मैं नंदा देवी नेशनल पार्क की बात कहूँगा तो हमारे यहाँ पर उप वन संरक्षक महोदय हैं और मैं हूँ, तो उन उप वन संरक्षक महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और वो इसके लिए बराबर सक्रिय हैं।
और इसको कार्यान्वित करने के लिए तत्पर तैयार हैं। उत्तराखंड के कृषि मंत्री व पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने आज जिला योजना की समीक्षा बैठक की और जिले के अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों का हाल जाना। जिला योजना की समीक्षा पर कृषि मंत्री ने बताया कि जिला योजना में अब मुक्त बजट के सापेक्ष 79% का बजट खर्च किया जा चुका है, जो कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 65.97 लाख रुपया अब मुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पर, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है, और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61% है। बैठक में प्रभारी मंत्री का कृषि व मत्स्य पशुपालन पर विशेष ध्यान देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने इसकी प्रोग्रेस पर जानकारी जुटाई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के कई गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तकरीबन 20,000 परिवारों को रोजगार देने का काम, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे जिला योजना में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में जिसमें पशुपालन और डेयरी और फिशरीज को भी मिला के तमाम लोगों को रोजगार देने का प्रश्न हो, होम स्टे के माध्यम से, और विभिन्न जो मैंने आपसे कहा जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उनके माध्यम से 20,000 परिवारों को रोजगार देना, ये अपने आप में इस कोरोना महामारी के काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन गांवों में सेब की खेती के साथ साथ कई गांवों में कीवी की भी खेती की जा रही है। वहीं बद्री गाय के पालन से दुग्ध उत्पादकों को खासा फायदा हो रहा है, जबकि न्यूट्री गार्डन को तैयार कर बच्चों में पौष्टिकता भरी जाए, इस पर भी जिले के हर ब्लॉक में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत करीब 125 परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जबकि जिले का लक्ष्य 250 परिवारों को इस योजना से जोड़ने का है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही ये लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एट 9 न्यूज़ स्टूडियो पर।